नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। पेश है अभी तक की पांच बड़ी खबरें। यूपी में महाकौशल एक्सप्रेस के आठ डिब्बे पटरी से उतरे, छह घायल। अमेरिका के टेक्सास में सड़क दुर्घटना, 12 की मौत। कोलकाता के होटल में आग, 2 की मौत। हरियाणा में अवैध शराब की 1.5 लाख बोतलें बरामद। आईएस के 2 संदिग्धों ने अदालत में जुर्म कबूला। जबलपुर और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली महाकौशल एक्सप्रेस कुलपहाड़ स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। इस घटना में 6 यात्री घायल हो गए। इस दौरान इलाहाबाद और झांसी के बीच कुछ रेलगाड़ियों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए। अमेरिका के टेक्सास शहर में बुधवार को गिरजाघर की बस और ट्रक के बीच टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। टेक्सास के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक होटल में गुरुवार तड़के आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हो गए। 31 लोगों को सकुशल बाहर निकलने में कामयाब रहे। घायलों को इलाज के लिए SSKM अस्पताल ले जाया गया है। आग लगने की खबर पता चलते ही दमकल विभाग के 10 वाहन मौके पर पहुंच गए और 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री के विशेष उड़ाका दल द्वारा राज्य भर में हो रही छापेमारी में अवैध शराब की 1.5 लाख से ज्यादा बोतलें बरामद की गई है। विशेष दल ने राज्य में नकली उत्पादों के निर्माण, अवैध शराब और अनाधिकृत कृत्यों में लगे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की। अवैध गतिविधियों में लिप्त होने के मामलों में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के 2 संदिग्धों ने बुधवार को एक अदालत में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया। आरोपियों ने अदालत के समक्ष एक आवेदन भी पेश किया। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 10 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दी।